Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आज का हमारा व्याख्यान है संगठनात्मक प्रेरणा पर यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि किस प्रकार हम व्यक्तिगत प्रेरणा से अपने संगठन में कार्य करते हुए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं क्या क्या उनकी आवश्यकताएं है होती हैं किस प्रकार की उनकी ज़रूरतें होती हैं और एक प्रबंधक के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उनकी आवश्यकताओं उनकी ज़रूरतों को समझे और उस समझ को विकसित करते हुए उन्हें प्रेरित करें हमने बात करी थी एब्राहम मैस्लो की नीट हाईराइट की थेरी की इसके अलावा हमने ई आर जी थेरी पर बात करी हमने डेविड मैकलिन की थेरी ऑफ नीच की बात करी जिसपे उन्होंने आवश्यकताओं को एक्वायर्ड नीच के नाम से जाना और हमने बात करी कि क्या है ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थेरी और किस प्रकार पॉटर एंड लॉलर ने रूम की एक्सपेक्टेंसी को थेरी को रूम की एक्सपेक्टेंसी सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत को किस प्रकार से नया रोक दिया तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगठनात्मक मोटिवेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन की तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीज़ों में सक्षम होंगे हम बात करेंगे संगठनात्मक प्रेरणा क्या है उसकी अवधारणा यानी कि कंसेप्ट को समझेंगे और यह किस प्रकार संगठनों में कार्य करता है और किस प्रकार समूहों को प्रेरित करके एक अपने विषय को अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर प्रेरित करता है और हम बात करेंगे संगठनात्मक प्रेरणा के महत्व की और इसके साथ साथ हम संगठनात्मक प्रेरणा की इक्विटी थेरी और लक्ष्य निर्धारण थेरी यानी कि गोल सेटिंग थेरी के सिद्धांत को भी समझेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी समझ विकसित करते हैं संगठनात्मक प्रेरणा के लिए आप व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं आप एक विशिष्ट स्थान पर किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं लेकिन आप किसी व्यक्ति का उत्साह पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते यह क्लेरेंस फ्रांसिस ने कहा था उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप उसको बुला सकते हैं उसका समय की बात कर सकते हैं उसको पैसा दे सकते हैं लेकिन जब तक वह इंसान खुद में प्रेरित नहीं होगा खुद से पहल नहीं करेगा किसी कार्य को करने की तो वह कार्य प्रभावपूर्ण और दक्षता पूर्वक नहीं किया जा सकता और शुरुआत से ही हम इस विषय में बार बार बात कर रहे हैं कि किस प्रकार एक कर्मचारी जब कार्य करे संगठन में तो वह प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए और पूर्ण दक्षता के साथ किया जाना चाहिए यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ तो जब हम बात करते हैं संगठनात्मक प्रेरणा के आधार की तो सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन यानी कि संगठनात्मक प्रेरणा बेस्ड होती है मोटिव्स पर आपके नीड्स पर आपके वांट्स पर आपके लक्ष्यों पर आपकी क्या चाहत है आपकी क्या जरूरत है हमने कल एक बार बात करी थी जब हम प्रेरणा की बात कर रहे थे कि प्रेरणा में तीन चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है सबसे पहले तो त्रीवता की यानी कि इंटेंसिटी की अगर आप किसी भी लक्ष्य को किसी भी जरूरत को लेकर ऊर्जावान नहीं होंगे एंथुजियास्टिक नहीं होंगे एनर्जेटिक नहीं होंगे तो आप प्रेरणा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं आप प्रेरित नहीं हैं और इसके साथ ही साथ सिर्फ त्रीवता होना अपने लक्ष्य के लिए ही काफी नहीं है प्रेरित होने के लिए इसके साथ साथ आपको एक सही दिशा पता होनी चाहिए यानी कि डायरेक्शन आप बहुत ऊर्जावान हैं बहुत इंटेंस हैं अपने लक्ष्य को लेकर अपनी जरूरत की प्राप्ति को लेकर लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपके पास आपको सही दिशा नहीं है सही डायरेक्शन नहीं है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो आप प्रेरित नहीं हो पाएंगे जब हम बात करते हैं कि आप त्रीव भी हैं आप इंटेंस भी हैं आप ऊर्जावान भी हैं और उसके साथ साथ आपको सही दिशा भी पता है तो उसके साथ तीसरी चीज जो बेहद जरूरी होती है किसी भी व्यक्ति या समूह या संगठन को प्रेरित करने के लिए वह होती है कंसिस्टेंसी यानी कि किस प्रकार आप नियम से वो कार्य दिन प्रतिदिन करते हैं और उसमें एक कंसिस्टेंसी है एक समानता है जिसके थ्रू आप रोज उस कार्य को दोहराते हैं तो चाहे वो व्यक्तिगत प्रेरणा की बात हो या फिर संगठनात्मक प्रेरणा की बात या फिर समूह की प्रेरणा की बात हर जगह जब हम प्रेरणा की बात करेंगे तो यह तीन चीजें होना बेहद जरूरी है इनमें से कोई भी चीज की कमी आपको डीमोटिवेट करती है यानी कि आप कह सकते हैं कि आप सही मायनों में प्रेरित हैं ही नहीं बहुत सारे संगठन बहुत सारी नई योजनाएं नई ऊर्जा के साथ लेकर आती हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे लेकिन उस कार्य को किस प्रकार किया जाए उसमें वो डायरेक्शन ही भूल जाती है दिशा ही नहीं होती है या दिशा खो जाती है उनकी या फिर दिशा होती है तो उनके काम करने का पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति समूह या संगठना संगठन प्रेरणा के रास्ते पर चल रहा है यानी कि मोटिवेटेड है इसके अलावा जब हम संगठनात्मक प्रेरणा की बात करते हैं तो यह है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार होता है यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपके सामने एक लक्ष्य आप रखते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी इंटेंसिटी पूरे डायरेक्शन पूरे परसिस्टेंस के साथ यानी कि तीव्रता के साथ पूरी दिशा के साथ सही दिशा के साथ और लगातार अभ्यास करते हुए उस कार्य की पूर्ति करते हैं जब हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी मोटिवेशन होता है लोग अपने पथ से अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं उनके दिमाग में उस संगठन में सबको चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो यानी कि व्यक्तिगत लेवल पर या फिर समूह स्तर पर हो सबको एक समान क्लैरिटी होती है कि कार्य करना क्या है और उस कार्य को उस लक्ष्य को पाने के लिए वह गोल डायरेक्टेड यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार दर्शाते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो संगठनात्मक व्यवहार कार्य संतोष से भी जुड़ा हुआ है यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन से आप सोच के देखिए आपका कोई लक्ष्य है लक्ष्य क्या पैदा करता है आपके अंदर एक टेंशन क्योंकि आपको वो नीड वो वांट वो डिज़ायर को पूरा करना है तो उस तनाव से आप बढ़ते हैं आगे अपने इंटेंसिटी डायरेक्शन और परसिस्टेंस के साथ साथ आप मोटिवेट होते हैं और उस कार्य को करने में यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं अब जब आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो आपको क्या मिलता है संतोष जो आपने कार्य किया वो कार्य पूर्ण रूप से जब संपन्न होता है तो आपको मिलता है संतोष जिससे कि आप सैटिस्फाइड होते हैं कि आपने जो कार्य किया वो अच्छा था और आप फिर लग जाते हैं उस कार्य के बारे में कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए और यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है और आप कंटिन्यूस मोटिवेशन के चक्र में रहते हैं आपकी संगठन आपके समूह सतत प्रक्रिया दिखाते हैं मोटिवेशन को लेकर प्रेरणा को लेकर इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं प्रेरणा की तो यह थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इतना आसान नहीं है जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत बार बहुत लोगों को यही गलतफहमी होती है कि जब वे मानते हैं कि अरे उनमें ऊर्जा है किसी कार्य को करने की तो इसका मतलब वो मोटिवेटेड है तो आप सोच के देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो जाती हैं उन्हें लगता है कि उन्हें दिशा पता है कोई कार्य करने की तो वह मोटिवेटेड हैं उनके पास दिशा नहीं है ऊर्जा नहीं है लेकिन एक कंसिस्टेंसी है रोज वो उस कार्य को उसी समय पर करते हैं बिना किसी ऊर्जा के बिना किसी दिशा के जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दू एक कॉल सेंटर में एक कर्मचारी है जिसका कार्य कॉल्स उठाना कॉल्स का जवाब देना है अब उस इंसान को कोई ऊर्जा नहीं, नहीं है अपने कार्य को लेकर साथ ही साथ जब वह बात करता है तो उसे कोई ये दिशा निर्देश उसको नहीं समझ आते उसको प्रॉपर दिशा नहीं पता कि किस प्रकार उसको अच्छे से बात करनी चाहिए हाँ उसे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ये सब करना आता है लेकिन जब भी हम बात करते हैं बातचीत करने की संवाद करने की संचार करने की तो आप अपनी बात क्या उसी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए तो यह होता है सही माध्यम का संचार सही दिशा में संचार तो आप संचार तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई दिशा नहीं है हाँ करते आप रोज हैं उस कार्य को रोज आप नौ से पाँच वही कार्य कर रहे हैं तो क्या आप कहेंगे कि वह इंसान या वह व्यक्ति प्रेरणा या मोटिवेटेड है प्रेरित है तो नहीं तभी हम इसको एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानते हैं क्योंकि अलग अलग कारक होते हैं एक व्यक्ति एक समूह एक संगठन को प्रेरित करने के लिए यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है सबकी जरूरतें अलग होती हैं हर संगठन की जरूरत अलग होती है हर संगठन की सोच अलग होती है हर संगठन का लक्ष्य अलग होता है तो उसके हिसाब से उनकी अभिप्रेरणा भी बदलती रहती है तभी हम इसको एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानते हैं इसके आगे हम बात करेंगे बहुत ही खूब कहा गया है कि कार्य की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ वर्क और कार्य करने की इच्छा यानी कि विल टू वर्क दो अलग अलग तथ्य हैं कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दोनों ही अलग बातें हैं कार्य करने की जब इच्छा आपके अंदर होती है तब हम कहते हैं कि आप प्रेरित हैं सिर्फ कार्य करने की क्षमता यह अनुमान नहीं लगा सकती यह नहीं कह सकती कि आप प्रेरित हैं और इसी के साथ साथ अगर आप में क्षमता नहीं है सिर्फ कार्य करने की इच्छा ही है तो भी कही न कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रभावित होता है तो चलिए अब आगे समझते हैं कि समूह प्रेरणा यानी कि ग्रुप मोटिवेशन आखिर होता क्या है इसके क्या क्या अलग अलग तरीके के तथ्य हैं तत्व हैं तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो समूह प्रेरणा कलेक्टिव होती है जहां पर हमने व्यक्तिगत प्रेरणा में ये माना था कि अलग अलग इंसानों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और एक प्रबंधक को ये अनुमान लगाना चाहिए ये देखना चाहिए कि, कि किस इंसान की किस व्यक्ति की किस कर्मचारी की कैसी कौन सी जरूरत है और उसी हिसाब से उसे उसके लिए मोटिवेशनल मॉडल बनाना चाहिए लेकिन जब हम समूह प्रेरणा की बात करते हैं तो वहां पर हम एक टीम की बात कर रहे हैं तो वह एक कलेक्टिव एफर्ट है एक सामूहिक एफर्ट है जहां पर हमें यह देखना है कि एक समूह की क्या जरूरतें हैं एक टीम की क्या जरूरतें हैं और उन जरूरतों की पूर्ति किस प्रकार अच्छे से की जा सकती है इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो समूह में प्रेरणा कंटेजियस यानी कि संक्रामक होता है यह फैलता है यह फैलता है और साथ ही साथ इसके विपरीत भी मैं बात करूंगी अगर आपके समूह में एक या दो व्यक्ति डीमोटिवेटेड हैं, बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है तो यह भी कंटेजियस होता है यह भी संक्रामक होता है वो भी बड़ी जल्दी से डीमोटिवेशन को फैलाते हैं लेकिन साथ ही साथ अगर आपके ग्रुप में आपके समूह में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही प्रेरित हैं मोटिवेटेड हैं तो यह कंटेजियस होता है यह फैलता है यह एक से दूसरे की तरफ जाता है और हर संगठन को यह कोशिश करनी चाहिए उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं उनकी संगठन में जो बहुत अच्छे से प्रेरित हैं और उनको अलग अलग समूहों का हिस्सा बनाना चाहिए जिससे कि वो लोग एज अ चेंज एजेंट कार्य करें और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर पाए तो अगर यह संक्रामक है तो हमें इसके फायदे का फ़ायदा उठाना चाहिए और नुकसान से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ का पता लगा लें कि कहाँ पर कौन डीमोटिवेटेड है जिससे कि उन लोगों को हम सही तरीके से गाइड कर पाए साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब हम समूह प्रेरणा की बात करते हैं तो यह कंटिन्यूस है सतत प्रक्रिया है यह चलती रहती है ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक समूह को प्रेरित कर दिया तो वह जिंदगी भर के लिए प्रेरित हो गए नहीं उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपके संगठन की सेल्स टीम उनको तो आपको हर दिन शायद मोटिवेट करना पड़े हर दिन आपको प्रेरणा देनी पड़े क्योंकि उनका कार्य ऐसा है कि जिसमें बहुत बार एक ही दिन में उनको कितनी सारी विफलताओं का सामना करना पड़ता है आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके कौन से ऐसे समूह हैं जो हर दिन हर घंटा विफलताओं का सामना कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूशन में मोटिवेट करते रहें इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कुछ ही समूहों को जरूरत है प्रेरणा देने की बाकियों को नहीं लेकिन हाँ ये डिग्री अलग अलग हो सकती है कि कुछ समूहों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है और कुछ समूहों को आप कुछ समय समय के रहते प्रेरित कर सकते हैं इसके साथ साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आप इसको छोड़ नहीं सकते हमें आप देखिए ना जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उनके जितने भी बड़े बड़े प्रबंधक हैं वह कंटिन्यूस अपनी टीम को अपने समूह को अलग अलग तरीकों से मोटिवेट करते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग समूहों की अलग अलग जरूरतें होंगी अलग 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 चाहत होगी अलग अलग इच्छाएं होंगी तो हो सकता है आप अलग अलग समूह के साथ साथ अलग अलग तरीके का प्रेरणा मॉडल बनाएं। तो यह था कि ग्रुप मोटिवेशन यानी कि समूह प्रेरणा होता क्या है अब हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वह है कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता है क्यों इसका महत्व क्या है क्यों हम बार बार इसी चीज पर जोर दे रहे हैं कि हमें एक प्रबंधक के तौर पर खुद मोटिवेटेड रहना है और अपने अधीनस्थों को समय समय पर प्रेरणा देती रहना है क्यों यह इतना जरूरी हो चुका है सबसे पहली बात तो आज का जो वातावरण हो गया है बिजनेस एनवायरमेंट व्यापारिक वातावरण जो हो गया है वह इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि लोग बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं डर जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट को यानी कि इस प्रकार के गतिशील व्यापारिक वातावरण से जूझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको समय समय पर ऊर्जावान दिशा और लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना है जिससे कि आप प्रेरित रहें और तो और जब हम बात करते हैं कि क्यों अभी प्रेरणा की आवश्यकता है तो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको मदद करता है कि आपके कौन से निर्धारित लक्ष्य हैं और उनको प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है क्यों क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि आप जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो यह आपको ऊर्जावान बनाता है आपको अच्छी दिशा देता है और आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि आप कंटिन्यूस वो कार्य करते रहें तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंचते हैं इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की तो वह आपके कर्मचारियों यानी कि अधीनस्थों के, के मनोबल में भी वृद्धि करता है अब आप कहेंगे कि मनोबल में कैसे वृद्धि करता है जैसा कि मैंने बोला कि जब आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी छोटी छोटी जीतों को होते हुए देखते हैं तो आपके मुराल की आपके मनोबल की वृद्धि होती है जिससे यह साइकिल ऑफ मोटिवेशन रिपीट होती रहती है साथ ही साथ जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो यह मानवीय संबंधों की स्थापना भी करता है ह्यूमन रिलेशंस की भी बात होती है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा कर्मचारी हमारा अधीनस्थ एक मानव है और उसके हिसाब से हम उसकी जरूरतों को समझने की पूर्ण कोशिश करते हैं देखिए मैं यह जरूर कहूंगी कि हर सिचुएशन में हर स्थिति में आप अपने अधीनस्थों के ही जरूरतों के हिसाब से शायद कार्य नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक प्रबंधक के तौर पर जितना आपके लिए पॉसिबल है जितना आप कर सकते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को समझ के उनके समूह की आवश्यकताओं को समझकर उनको प्रेरणा दीजिए तो अच्छी बात है साथ ही साथ मानवीय साधनों का सदुपयोग करने हेतु भी यह बेहद आवश्यक है और तो और जब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की तो कार्य के प्रति रुचि जागृत करने हेतु भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप किसी कार्य को पूर्ण इंटेंसिटी से करते हैं एनर्जी से करते हैं और जब आपको लगता है कि आप अपने सही दिशा की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है उस कार्य को करने के लिए वो और बढ़ता है आप उसमें और इन्वॉल्व होते जाते हैं और जब आप इन्वॉल्व होते हैं किसी कार्य में तो उस कार्य को आप अपनी पूर्ण लगन पूर्ण मन से करते हैं इसके साथ ही साथ में एक और बात कहूंगी कि संपूर्ण कार्य में किसी वजह से संपूर्ण कार्य में भी वृद्धि होती है और तो और जब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की तो नवीन एवं आधुनिक साधनों के प्रयोग हेतु भी इसे इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों को अभिप्रेरित करते हैं कि परिवर्तन वह अपने जीवन में लेकर आए जिसके साथ साथ क्रिएटिविटी इनोवेशन नई चीज़ें रचनात्मक चीज़ें सीखें वो और आगे बढ़ें तो ये थे संगठनात्मक अभिप्रेरणा के कुछ महत्व अब हम जिस पर बात करेंगे वह है इक्विटी सिद्धांत यानी कि समता का सिद्धांत इक्विटी थेरी समता का सिद्धांत का प्रतिपादन जे स्टेसी एडम्स ने किया था अब इस सिद्धांत के अनुसार हम सब अपने प्रयास यानी कि इनपुट की तुलना अपने संगठन में व्यक्तियों के सापेक्ष पारितोषिक यानी कि आउटपुट से करते हैं यह एक बेहद ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है मानव प्रक्रिया है कि हमारी आदत होती है कि हम ये कंपैरिजन ज़रूर करते हैं हम यह कहीं ना कहीं तुलना करते हैं कि हम कितना कार्य कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है संगठन से इसकी तुलना हम करते हैं कि हमारे आसपास के लोग कितना कार्य कर रहे हैं क्या दे रहे हैं संगठन को और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है जब हम यहाँ पर इनपुट्स की बात करते हैं यानी कि अपने प्रयासों की बात करते हैं तो इनपुट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि आपकी एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस क्योंकि क्या है अगर आपने एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया है तो ये आपका एक तरीके से इनपुट है संगठन के लिए आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो यह भी आपका इनपुट है आपको कुछ पाँच दस वर्षों का जितने भी वर्षों का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपका इनपुट है आपके स्किल्स आपके कौशल आपकी एबिलिटीज ये सब आपके इनपुट हैं जो कि आप किसी संगठन को देते हैं तो जब हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट होता है कि आपने संगठन को क्या दिया चाहे वो आपकी एजुकेशन के तौर पर हो चाहे वो आपके एक्सपीरियंस के तौर पर चाहे वो आपके कौशल एबिलिटीज के तौर पर हो चाहे वो आपके स्किल्स के तौर पर हो चाहे आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो तो यह सब होते हैं इनपुट्स अब जब हम कुछ इनपुट्स अपने संगठन को देते हैं तो हम आउटपुट्स की भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन करते हैं आशा करते हैं कि हमें कुछ आउटपुट्स मिलेंगे अब आउटपुट्स क्या हुए या तो आपका वेतन वेतन के अलावा आपको और कौन सी सुख सुविधाएं मिलती हैं संगठन द्वारा आपको किस प्रकार का केबिन मिला है कक्ष मिला है बैठने के लिए आपको किस प्रकार की कार पार्किंग स्पेस मिली है आपको क्या लीव अलाउंस मिलता है तो ये सब चीजें हो गई आपकी आउटपुट्स कि आपने जो इनपुट किसी संगठन को दिया तो बदले में आपको क्या मिला यह एक स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है इसमें कोई गलत चीज नहीं है जब भी हम कुछ इनपुट्स देते हैं तो हम एक आशा करते हैं कि हमें आउटपुट्स मिलेंगे अब जब हम किसी संगठन में कार्य करते हैं तो हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम अपने आउटकम इनपुट रेशियो को यानी कि हमें हमने कितने इनपुट्स दिए हमने कितनी अपनी तरफ से लागत लगाई संगठन के लिए और कितना हमें वापस मिला यानि कि आउटपुट मिला उसका कंपैरिजन उसकी तुलना हम करते हैं कि किसी और ने कितना इनपुट्स लगाए और कितने आउटपुट्स अब क्या होता है कि जब इस तुलना में दोनों ही पार्टियां यानी कि हमारा और दूसरे जिससे हम तुलना कर रहे हैं अगर आउटपुट इनपुट रेशियो सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन दिक्कत कहां आती है जब यह आउटपुट इनपुट रेशियो में असमानता पाई जाती है और यह असमानता हमें तनाव मुक्त तनाव ग्रस्त करती है यह असमानता हमें तनावग्रस्त करती है हमें तनाव में लेकर आती है और फिर हम इस चीज के लिए लग जाते हैं हम मोटिवेट होते हैं इस तनाव को कर... तनाव को कम करने के लिए तो तभी यदि प्रयास के पारितोषिक रेमुनरेशन के अनुपात में समान है तो हमें समता की भावना का अनुभव होता है जैसा कि मैंने कहा इक्विटी हमें लगता है तो कोई परेशानी नहीं है लेकिन असमानता की भावना कर्मचारियों की असंतुष्टि का प्रमुख कारण है जब उन्हें लगता है कि इसमें हमारे आउटपुट इनपुट रेशियो में कुछ असमानता है दूसरे के आउटपुट इनपुट रेशियो से तो हमें असंतुष्टि होती है और यह हमें तनाव में लेकर आता है और इस तनाव को कम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं हम मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि हम या कोई भी इंसान कोई भी मानव तनाव की स्थिति में नहीं रहना चाहता है वह चाहता है कि इस तनाव से वह बाहर आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझते हैं कि इक्विटी थेरी में क्या क्या और चीजें हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि काम पर इक्विटी महत्वपूर्ण ही क्यों है क्यों जरूरी है कि समानता होनी चाहिए तो समानता होनी चाहिए क्योंकि लोगों को इनाम की उम्मीद होती है यह स्वाभाविक क्रिया है आप कोई कार्य करते हैं तो आपको भी इनाम की उम्मीद होती है मैं कोई कार्य करूंगी तो मुझे भी इनाम की उम्मीद होती है लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि उस इनाम में असमानता आ जाती है तो जो इनाम हमें मिल रहा होता है हम उससे भी नाखुश हो जाते हैं और जब हम नाखुश हो जाते हैं यानी कि असंतुष्ट हो जाते हैं तो यह प्रभाव डालता है हमारे कार्य पर और अब हम जिस कार्य को शायद पहले पूरी लगन से पूरी ऊर्जा से कर रहे थे उस कार्य को अब हम बहुत ही बेमन से करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्यों इक्विटी कार्यस्थल पर जरूरी है जैसे ही आप देखते हैं कि किसी का भी प्रदर्शन मूल्यांकन उसकी प्रतिभा के अनुसार होता है तो संगठन में समूह में लोग खुश होते हैं लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि प्रतिभा के अलावा किसी को फायदा दिया जा रहा है उस इंसान में वो प्रतिभा नहीं है लेकिन फिर भी उसे फायदा मिल रहा है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं वह काफी असंतुष्ट हो जाते हैं और चाहे वो कहें या ना कहें लेकिन वह अपना कार्य अब उस ऊर्जा से नहीं कर पाते हैं साथ ही साथ उनका मनोबल यानी कि मुरैल काफी कम होता है क्योंकि जब उन्हें दिखता है कि उनके अंदर प्रतिभा ज्यादा है लेकिन फायदा इनाम किसी और को मिल रहा है क्योंकि फायदा और इनाम जो है वो प्रतिभा पर बेस्ड ही नहीं है प्रतिभा उसका आधार ही नहीं है तो उनका मनोबल कम होता है और साथ ही साथ जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो अपने एम्प्लॉइज को अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी में अपने संगठन में बनाए रखने के लिए यानी कि रिटेन करने के लिए इक्विटी होना बेहद जरूरी है नहीं तो आपके कर्मचारी आपके अधीनस्थ आपके संगठन को छोड़ के जाएंगे छोड़ के जाना इतनी आसान चीज़ नहीं होती क्योंकि छोड़ के जाने के साथ बहुत सारे अलग अलग मायने जुड़े होते हैं आप एक इंसान ही नहीं खोते हैं आप उसकी काबिलियत खो रहे हैं आप उसकी लॉयलिटी खो रहे हैं आप उसका कमिटमेंट खो रहे हैं तो मैं समझ सकती हूं कि शायद अब आपको समझ आया होगा कि किसी भी संस्था में इक्विटी का होना क्यों जरूरी है और क्यों हम इक्विटी पर इतना बात कर रहे हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हम इक्विटी थेरी जिसमें मैंने बात कही थी कि हमारी एक स्वाभाविक क्रिया होती है कि हम अपना आउटपुट इनपुट रेशियो दूसरे के आउटपुट इनपुट रेशियो से तुलना करते हैं तो अब हम तुलना करते किस, -किस से हैं तो चार तरीके के अलग अलग पैमाने होते हैं सबसे पहला स्व अंदर यानी कि सेल्फ इनसाइड आपने देखा होगा जैसे आप बहुत बार तुलना करते हैं अपनी ही अपने आप से जैसे पहले आप जूनियर मैनेजर थे और अब आप सीनियर मैनेजर हो गए तो जब आप जूनियर मैनेजर थे तो आपने कुछ इनपुट्स दिए होंगे आपको कुछ आउटपुट्स मिलते होंगे अब जब आप सीनियर मैनेजर बने तो आप कुछ इनपुट्स दे रहे हैं जिसमें शायद एक्सपीरियंस भी अब बढ़ गया है और भी चीजें बढ़ गई होंगी शायद आपने और भी कुछ आ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स लिए होंगे करे होंगे जो जुड़ गई होंगी लेकिन उसके साथ शायद आपकी आपका वेतन भी बड़ा होगा आपकी और सुख सुविधाएं भी शायद और बड़ी होंगी तो इसमें हम क्या करते हैं हम खुद ही का कंपैरिजन करते हैं उसी संस्था में रहते हुए लेकिन दो अलग अलग पदों पर मैं अपना मतलब कि सीनियर मैनेजर के तौर पर अपना आउटपुट इनपुट रेशियो का कंपैरिजन की तुलना कर रही हूं जब मैं जूनियर मैनेजर थी उसका आउटपुट इनपुट रेशियो क्या था तो यह हुआ सेल्फ इनसाइड स्व अंदर एक होता है सेल्फ आउटसाइड यानी कि स्व बाहर इसमें आप खुद के आउटपुट इनपुट रेशियो का कंपैरिजन करते हैं अपने ही आउटपुट इनपुट रेशियो से लेकिन किसी और संगठन में रहते हुए जैसे अगर आपने बचपन में कभी स्कूल चेंज किया हो तो हमारी बड़ी ये आदत होती है ना कि उस स्कूल में तो ऐसा होता था उस स्कूल में जहां मैं पहले पढ़ता था वहां ऐसा होता था हम ये करते थे यहां पर ऐसा होता है यहां पर ये किया जाता है तो इसी प्रकार जब हमने कभी अपनी नौकरी बदली किसी और संगठन का हिस्सा हुए तो हम अपने आउटपुट इनपुट रेशियो का कंपैरिजन करने लग जाते हैं अपनी पहले वाली कंपनी से कंपनी में रहते हुए जिस पद पर हम थे इसके साथ ही साथ एक अलग पैमाना होता है जिसको हम कहते हैं अन्य अंदर यानी कि अदर इनसाइड अन्य अंदर इसका मतलब मैं अपना आउटपुट इनपुट रेशियो का कंपैरिजन करूँगी अपने सहकर्मी के आउटपुट इनपुट रेशियो से जब मैं उसी कंपनी में हूँ हम दोनों सेम कंपनी का हिस्सा हैं तो ये हुआ अदर इनसाइड लेकिन वही अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ किसी दूसरी कंपनी में कार्यरत किसी इंसान के साथ जैसे कि बहुत होता है हमारा कोई दोस्त किसी और कंपनी में कार्य कर रहा है शायद कार्य अमूमन सिमिलर ही है सेम सा ही है तो हम क्या करने लगते हैं कि हम तो अपनी कंपनी में ये, ये 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 काम करते हैं और हमें ये आउटपुट्स मिलते हैं और वो अपनी कंपनी में अपने संगठन में ये ये काम करता है और उसे वो आउटपुट मिलता है तो ये हो जाता है अदर आउटसाइड। तो हम इस चार अलग अलग तरीके से चार पैमानों पर हम तुलना करते हैं अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपको यह देखना कि रेफरेंट अदर है कौन मतलब कि रेफरेंट अदर का मतलब कि आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं इस चीज के लिए आपको सोचना बेहद जरूरी है अगर आप अपने आउटपुट इनपुट रेशियो की तुलना अपने कंपनी में जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ आप एक श्रमिक स्तर पर कार्य करते हैं और आप अपना कंपैरिज़न करें कंपनी के प्रमुख से कंपनी के सीईओ से तो क्या ये तुलना सही है नहीं क्योंकि उसके इनपुट्स अलग होंगे उसके आउटपुट्स अलग होंगे तो इसका मतलब आपने सही रेफरेंट अदर नहीं चुना है और बहुत बार हम यही गलती करते हैं और जिसकी वजह से हम टेंशन में भी रहते हैं तो मैं यह नहीं कह रही कि आप यह मत देखिए कि इक्विटी है या नहीं लेकिन मैं इस पर जोर दे रही हूं कि आप जिससे तुलना कर रहे हैं क्या उसका और आपका स्तर सेम है एक जैसा है क्या उसके और आपके आउटपुट्स या उसके और आपके टारगेट्स सब एक जैसे हैं तो इन चीजों पर आपको बड़ा देखना पड़ेगा इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपना आप एक 60 साल के इंसान हैं जो कंपनी में कार्य करते हैं और आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी 22 साल के व्यक्ति से तो यह भी कहीं ना कहीं एक सही कंपैरिजन एक सही तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग होगा और बहुत सारे अलग पैमानों में ये दोनों ही लोग अलग अलग हो सकते हैं तो हमें यह चुनने की बड़ी सूझबूझ से ज़रूरत है कि जिससे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं जिससे भी हम तुलना कर रहे हैं क्या उसका और हमारा स्तर समान है तब हम उस बात पे कर सकते हैं अब जब हम बात करते हैं जो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी टेंडेंसी है कि हम कंपैरिजन करते हैं व्यक्ति ए अपना कंपैरिजन व्यक्ति बी से करेगा तो अगर आप इस फिगर में देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना आउटपुट इनपुट कंपैरिजन करते हैं जब दूसरे से और ये सेम है समान है तो निष्पक्षता यानी कि इक्विटी की भावना हमारे अंदर है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती हम अपना प्रेरित होते हुए कार्य करते रहते हैं दिक्कत कहाँ आती है तनाव कहाँ महसूस होता है सबसे पहली चीज जब आपका आउटपुट इनपुट रेशियो कम है दूसरे के आउटपुट इनपुट रेशियो से इसका मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे आपको ऐसा लगता है कि आप कंपनी को आप संस्था को बहुत ज्यादा दे रहे हैं इनपुट्स के तौर पर लेकिन आपको मिल वापस में कम रहा है और वही आपके साथ वाला रेफरेंट अदर जिससे आप तुलना करते हैं वो शायद कम इनपुट दे रहा है और उसको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तभी उसका आउटपुट इनपुट रेशियो आपसे बड़ा हुआ आया है ये होती है नकारात्मक असमानता की स्थिति यानी कि नेगेटिव इनिक्विटी जिसमें आपको ल, ल, निरंतर यही लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको परिणाम कम मिल रहे हैं लेकिन वहीं आपके साथ वाला बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा उसके इनपुट्स कुछ इतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है तभी उसका रेशियो बड़ा हुआ आ रहा है अब यह है तनाव की स्थिति पैदा करता है इसी के साथ साथ एक और चीज भी होती है जो आपको तनाव में लाती है जिसको हम कहते हैं सकारात्मक असमानता यानी कि पॉजिटिव इनइक्विटी अब आप कहेंगे कि इसमें तो सकारात्मक शब्द आ गया पॉजिटिव आ गया तो ये कहाँ से हमें तनाव मिलाएगा नहीं यह भी हमें तनाव मिलाता है जब हमें यह आभास होता है कि हमारे इनपुट्स शायद कम हैं और हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है आप कहेंगे ऐसा नहीं होता ऐसा भी होता है बहुत जगह लोगों को यह मन ही मन पता होता है कि वह इतना कर नहीं रहे हैं संस्था के लिए जितना उन्हें फायदा मिल रहा है और उनका आउटपुट इनपुट रेशियो ज्यादा आता है दूसरे के आउटपुट इनपुट रेशियो से तो भी तनाव की स्थिति महसूस होती है हाँ इन दोनों में अंतर यह है कि जब आप नकारात्मक असमानता के शिकार होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं गाकर कि हमारे साथ यह गलत हुआ हमारे साथ वह गलत हुआ हम इतना कार्य करते हैं हमें यह मिलता है लेकिन जब आप सकारात्मक असमानता की स्थिति में होते हैं तो आप लोगों को बताते नहीं आप सबके सामने गाते नहीं हैं लेकिन हाँ मनी मन आपको यह तनाव जरूर महसूस होता है कि अगर आपकी संस्था में इस बात को पता चल गया लोगों को तब क्या होगा तो अगर इस तरीके की बात आपके दिमाग में है तो यह भी तनाव की ही स्थिति होती है और इन दोनों ही स्थितियों में इंसान इस तनाव को कम करना चाहता है अब देखते हैं कि किस प्रकार इस असंतुलन को कम कर किया जा सकता है तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं जैसा कि सबसे पहले अपने आदानों में परिवर्तन कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनपुट्स बहुत दे रहे हैं लेकिन आउटपुट्स आपको फिर भी कम मिल रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा तो आपको लगता है तो आप अपने इनपुट्स को कम कर दीजिए और सेम इसी सिचुएशन में अगर आप सकारात्मक इनईक्विटी में हैं तो भी आपको पता है कि अगर आपके इनपुट्स कम हैं तो अपने इनपुट्स को आप बढ़ा दीजिए जिससे कि वो रेशियो बैलेंस हो जाए इसके अलावा आप अपने प्रदानों में भी परिवर्तन यानी कि चेंज आउटकम्स भी ला सकते हैं जैसा कि मैंने बोला कि आप इनपुट्स कम दे रहे थे बट आउटपुट ज्यादा आ रहे थे या कुछ भी तो आप कहीं ना कहीं कोशिश कर कर अपने आउटपुट्स को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप जस्टिफाई कर पाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है बहुत ही जरूरी है अगर आप अच्छे आउटपुट्स भी देने लगेंगे तो आपको भी अच्छा आउटकम मिलेगा साथ ही साथ अपने बारे में धारणा को विकृत करें यानी कि डिस्टॉर्ट परसेप्शन अबाउट योर अगर आपको हर स्थिति में लगता है कि आप ही बस कार्य कर रहे हैं कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा आप ही सारे इनपुट्स अपनी कंपनी को दे रहे हैं तो थोड़ा विचार विमर्श करिए कि क्या ये वाकई में सही भी है या नहीं तो अपने बारे में थोड़ा सा परसेप्शन को अपनी धारणा को बदलिए सोच समझ कर कि क्या ये वाकई में सही हो कह रहे हैं आप या नहीं और इसी के साथ साथ अगर आपको हमेशा ये लगता है दूसरा तो कर्म कार्य कर रहा है और उसको ज्यादा मिल रहा है और अगर आपको असंतुष्टि हो रही है और आप इस असमानता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो सही तो ये है कि उसके बारे में आप अब ये सोच रही कि वो जितना कार्य कर रहा है उसको उतना मिल रहा है वो कम कार्य नहीं कर रहा तो डिस्टॉर्ट परसेप्शन अबाउट अदर्स साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति किसी सहकर्मी के साथ तुलना कर करके आपको बहुत ही तनाव महसूस होता है और इसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे उस संगठन में रहते हुए तो किसी और को चुनिए जिससे आप कंपैरिजन करें लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे और अभी भी आपके अंदर तनावपूर्ण स्थिति है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप उस संगठन को छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि वहां पे बहुत असमानता है चीजें सही नहीं हो रही आपके प्रबंधक चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं या अनदेखा कर रहे हैं और आप कंटिन्यूस डीमोटिवेशन की स्थिति में तनाव की स्थिति में रह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर सजेशन है कि आप उस जगह को छोड़ दें तो ये लेकिन इन सब में मैं सबसे पहली बात कहूंगी कि यह सिद्धांत तभी सही है जब आप रेफरेंट अदर जिसके साथ आप तुलना करते हैं उसको सोच समझ कर चुने उसको वाकई में ये देख कर चुने कि आपके और उसके एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन स्किल्स एबिलिटीज क्या यह समान है तभी कंपैरिजन सही हो पाता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत की यानी कि गोल सेटिंग थेरी की लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत एडविन लॉके द्वारा दिया गया था लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य रूप से कार्य प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है यानी कि वर्क परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है यह सिद्धांत लक्ष्यों को उचित रूप से स्थापित करने और प्राप्त करने में मदद करता है जब हम लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके तीन तत्व हैं जो कि बेहद जरूरी होते हैं और यह माना गया है एडविन लॉके जी के द्वारा कि अगर किसी भी लक्ष्य में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते समय या उस लक्ष्य के अंदर ये तीनों तत्व मौजूद हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वह करेंगे लक्ष्य विशिष्टता की यानी कि गोल स्पेसिफिसिटी की बहुत सारे संगठनों में आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि जाइए अच्छा प्रदर्शन करिए अब अच्छा प्रदर्शन की क्या परिभाषा है यह बड़ा मुश्किल है अगर आप सेल्स पॉलिसीज़ बेचने के कार्य में हैं, तो हो सकता है आपके प्रमुख के हिसाब से आपके टीम लीडर के हिसाब से दस सेल्स पॉलिसी बेचना एक अच्छा कार्य हो आपके हिसाब से पांच सेल्स पॉलिसी बेचना एक अच्छा कार्य है तो उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उन्हें यही नहीं समझ आता कि उनका गोल है क्या उनका लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य की विशिष्टता या लक्ष्य को स्पेसिफाई करना बेहद जरूरी होता है अगर आपका लक्ष्य स्पेसिफिक है जब भी हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी परिभाषा आप अच्छे से जानते हो आप जानते हो आप उसको मेजर कर पाए वो रियलिस्टिक गोल हो ऐसा नहीं कि कोई आपने बहुत ही ऐसा गोल बना दिया जो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है पाना तो वह भी एक अच्छा लक्ष्य नहीं हुआ तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिए कि आप अपने अधीनस्थों के लिए एक स्पेसिफिक एक निर्धारित लक्ष्य लेकर आए और सिर्फ अपने दिमाग में नहीं उनको भी बताएं कि वह लक्ष्य आखिर है क्या आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं जब लक्ष्य निर्धारण की बात हो जाती है यानी कि लक्ष्य विशिष्टता या फिर गोल स्पेसिफिसिटी की तो दूसरी बात आती है चुनौतीपूर्ण कार्य चैलेंजिंग वर्क अच्छा एक चीज एक उदाहरण में आपसे बात करना चाहूंगी जब आप करीब फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो जब आपकी परीक्षा होती थी तो शायद जब आपकी गणित की या साइंस की या विज्ञान की परीक्षा रहती होगी तो आप उस दिन दिन रात पढ़ते होंगे बिना कुछ खेल कूद किए पढ़ते होंगे लेकिन शायद जिस दिन आपका मॉरल साइंस का या जीके का एग्जाम होता था जो कहीं ना कहीं रिलेटिवली थोड़ा आसान होता था मैथ्स से साइंस से तो उस दिन आप बड़े ही आराम वाले मोड में आराम से चीजें करते हुए जाते थे और आपके जब मार्क्स जब परिणाम आया होगा तो मैथ्स और साइंस में आपका अच्छा परिणाम रहा होगा लेकिन जिस विषय में आपको लगता था कि यह तो आसानी से हो जाएगा जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी उसमें शायद आपके आपका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया ठीक ठीक आया क्यों क्योंकि आपने उसमें ठीक ठीक कार्य ही किया तो यह भी पाया गया है संगठन में कि अगर आप अपने अधीनस्थों को कोई चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं चैलेंजिंग वर्क असाइन करते हैं तो वह उस चुनौती को स्वीकारते हुए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं उसको पूर्ण करने के लिए लेकिन वहीं पर अगर आप उन्हें कोई मोनोटनस काम कोई रूटीन वर्क दे देते हैं तो उसमें जिसमें वो अपने आप को मानते हैं कि वे दक्ष हैं वे सक्षम हैं उस कार्य को करने के लिए उनके अंदर इतनी लगन नहीं हो पाती तो पहली चीज गोल सेटिंग थेरी में एडविन लोके ने कहा कि आपको एक प्रबंधक के तौर पर अपने अधीनस्थों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए दूसरा उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य है वो अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो लोग ज्यादा प्रेरित होंगे उस कार्य को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसके अलावा आखिरी में उन्होंने बोला कि प्रतिक्रिया अगर आप अपने अधीनस्थों को फीडबैक देते हैं रेगुलर फीडबैक देते हैं उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य के बारे में उन्हें बताते हैं देखिए जब हम फीडबैक की बात करते हैं यानी कि प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो दो तरीके के फीडबैक होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक और बाहरी बाहरी फीडबैक का मतलब हुआ प्रतिक्रिया का मतलब हुआ कि आपके सीनियर ने आपको बताया कि आपने वो कार्य कैसा किया कहां आप अच्छे रहे कहां आप गलत रहे जहां आप गलत रहे तो उस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है तो एडविन लोके ने कहा अगर इस प्रकार का फीडबैक हम अपने अधीनस्थों को देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहां पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का और वो इस चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं साथ ही साथ उन्होंने आंतरिक यानी कि इंटरनल प्रतिक्रिया की भी बात करी उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है और अगर वो सही रूप से अपने आप को सच्चा फीडबैक दे सच्ची प्रतिक्रिया अपने बारे में लेकर आए तो उससे अच्छा फीडबैक कुछ होता ही नहीं है लेकिन दिक्कत आती है कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं जैसा कि हमने पहले के व्याख्यान में बात करी थी एट्रीब्यूशन एरर कि जब हम अपने ही व्यवहार की तुलना करने लगते हैं उसको इवेलुएट करते हैं तो हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं तो ये तीन बातों पर उन्होंने कहा अब हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स थे गोल सेटिंग थेरी के तो गोल सेटिंग्स का जो सबसे पहला इस थेरी का इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ है वह है जुड़ाव का उच्च स्तर यानी कि हायर लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट जैसा कि मैंने बताया कि जब आपके अधीनस्थ को पता होगा कि गोल क्या है लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को अगर आप चैलेंजिंग बनाएंगे चुनौतीपूर्ण बनाएंगे तो वह और ज्यादा और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा अपने लक्ष्य के साथ और जैसे ही वह जुड़ाव महसूस करेगा तो वह हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि उच्च स्तर का प्रदर्शन भी दिखाता है इसी के साथ ही साथ समय सीमा और मैट्रिक्स का भी वह बेहतर पालन करता है उसके लिए टाइम बाउंड सिचुएशंस समय की समय को देखते हुए कार्य करना डेडलाइंस को नहीं मिस करना यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिर्फ यही नहीं इसके साथ ही साथ गोल सेटिंग थेरी जिस पर या जिसका समर्थन करती है वह होती है प्रतिक्रिया की संस्कृति यानी कि फीडबैक कल्चर प्रतिक्रिया की संस्कृति अगर आपके संगठन में प्रतिक्रिया की संस्कृति यानी कि फीडबैक कल्चर और वो भी ओपन फीडबैक कल्चर आ जाए तो आपकी संगठन ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है जब मैंने बोला ओपन फीडबैक कल्चर तो इसका मतलब है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है अपने अधीनस्थों को तो वह बिल्कुल सच्चे मन से सही तरीके से इवेल्युएट की हुई प्रतिक्रिया दे और सिर्फ प्रतिक्रिया ना दे साथ में यह भी बताए कि अगर कुछ गलत है तो वह सही कैसे हो सकता है इसके साथ ही साथ अगर एक फीडबैक कल्चर ओपन फीडबैक कल्चर है आपके संगठन में तो जो आपके अधीनस्थ होंगे वह भी सुनने को तैयार होंगे कि वह कहाँ गलत हैं वह कहाँ अपने आप को सही कर सकते हैं तो ओपन फीडबैक कल्चर होना बेहद जरूरी है और गोल सेटिंग थे, थेरी के थ्रू हम ये लेकर आते हैं इसके साथ ही साथ आत्म प्रभावकारिता की ओर यह लेके जाता है यानी कि सेल्फ एफिकेसी जब मैंने बोला चुनौतीपूर्ण कार्य तो जब हम चुनौतीपूर्ण आप खुद सोच के देखिए कभी आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपको पहले लग रहा हो कि वह आप नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी आपने वह कार्य अपने ऊपर लिया और जब वह कार्य आप कर पाए तो आपको कैसा अनुभव हुआ आपको अनुभव हुआ कि हां आप प्रभावकारी हैं आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है जिसमें आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं आप मानने लगते हैं कि हां आप अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं तो जब हम चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट्स की बात करते हैं चुनौतीपूर्ण कार्यों की बात करते हैं तो यह है किसी इंसान में सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता को डेवलप करता है यह तो थे इसके लाभ अब हम अगर बात करें कि इसकी क्या सीमाएं रही हैं तो सबसे पहला तो प्रदर्शन संबंध पर नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस रिलेशनशिप जब हम चुनौतीपूर्ण कार्य की बात कर रहे हैं तो क्या संगठन में आपको सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो चुनौतीपूर्ण कार्यों से खुश हों, प्रेरित हों? तो इसका जवाब है ना। और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ऐसा परसेंटेज संगठन में कम होता है और ज्यादातर जो लोग होते हैं वह सामान्य कार्य करने में खुश रहते हैं तो उनके लिए मुसीबत इकट्ठी हो जाती है उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है और तो और कहीं ना कहीं अगर मिस अलाइनमेंट हो संगठन का कुछ और लक्ष्य है और किसी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य उसका कुछ और है अगर मिस मिसअलाइनमेंट है तो बड़ी दिक्कत आती है तो देखिए अगर हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत सारे संगठन इस्तेमाल भी करते हैं वे पहले से ही अपने अधीनस्थों को बता के चलते हैं कि उनसे क्या अपेक्षाएं रखी जा रही हैं और उसके साथ साथ वह उनको चैलेंजिंग अगर उनकी आ, कौशल के हिसाब से वर्क होता है कार्य होता है तो वह उनको असाइन करते हैं और अगर उन्हें अच्छा फीडबैक भी देते हैं तो आपके अधीनस्थ प्रेरित महसूस करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जो इस सत्र में बात करी हमने ये देखा कि संगठनात्मक प्रेरणा क्या है और किस प्रकार कार्यस्थल पर विकसित की जाती है इसके साथ ही साथ हमने बात करी जे स्टेसी एडम्स की इक्विटी थेरी की कि किस प्रकार असमानता हमारे अंदर एक तनाव लाती है और किस प्रकार हम उसको दूर कर सकते हैं साथ ही साथ हमने एडविन लॉके की गोल सेटिंग थेरी यानी कि लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत की बात करी जिसमें हमने देखा कि उसके क्या लाभ हैं और उसमें क्या दोष हैं क्या खामियां हैं तो प्रिय विद्यार्थियों मैं समझती हूं कि आपको आज का व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा नमस्कार धन्यवाद